ये नश्वर शरीर नौका हेलो हेलो बोलिए देव की जय <coughs> पूजनीय संत समाज दूरदरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं हमारे कार्यक्रम का आज अंतिम दिन की पहली सभा प्रारंभ होने जा रही है आश्रम परिसर में जो भी भक्त सज्जन संत महात्मा इधर उधर विचरण कर रहे हैं वे सब यथाशीघ्र बीजक मंदिर कच्छ में पहुंच जाएं। सत्संग का एक भजन के माध्यम से करते हैं भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं पूजनीय संत श्री बीरेंद्र साहेब जी आप आए और एक भजन प्रस्तुत करें प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनी वन्नी संत समाज इस सभा में पधारे हुए सम्मानी सज्जनों एवं माताओं आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है थोड़ी जिंद गाने तुम भूल न जाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी तुम तेरी जवानी बाढ़ कपानी का सुंदर काया होगी पुरानी दो दिन में बोढ़ापन आए नैन दिखे नहीं कान सुनाए निर्मल काया होंगे बेगाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी गानी तुम भूल न जाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी तुम मात पिता भगे नियरु भाई सुत नारी से तेरी होगी विदाई तू है किसका कौन तुम्हारा किसके बल गुरु भक्ति विसारा यह दुनिया है मुसाफिर खाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी नी तुम भूल न जाना तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी नी तुम घर संपत्ति सुख साज सवारे एक दिन उठी चले हाथ पसारे घर संपत्ति सुख साज सवारे एक दिन उठी चले हाथ पसारे सब अभिलाष आस जो तेरे रह गए मन के मन में अधेरे छूटे तन यरु महल खजाना यह तन धन का कौन ठिकाना थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना यह तन धन का कौन ठिकाना यह तन धन का कौन ठिकाना प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का या अंतिम दिन का पहला सत्र हमारे साथी संत श्री बीरेन्द्र साहेब जी के द्वारा भजन अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे आश्रम परिसर में जो निवास करने वाले सभी संत महात्माओं एवं बाहर से आए हुए भक्त सज्जनों एवं देवियों से निवेदन है हमारा कार्यक्रम भजनों से प्रारंभ हो चुका है अतः आप सब शीघ्रातिशीघ्र बीजक मंदिर में आने का कष्ट करें अब हम विचारों की ओर चलेंगे आइए विचार रखने के लिए हमारे संस्थान के साथी संत श्री करमचंद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पावन अवसर पर विचार रखने का कष्ट करें संत श्री करमचंद जी बोलिए देव की जय पूजनीय साहेब जी अर्चनीय वंदनीय संत समाज दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं गुरुवर कबीर अपनी बाणी में कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या ये भजन बहुत बचपन से सुनता था लेकिन समझ में जाके कहीं अब आया है ये जब गुरुजी के प्रवचन सुना या इसका भावार्थ देखा ये गज़ल है और पहली गज़ल मानी जाती है अध्यात्म जगत की हमन है इश्क मस्ताना हमन को हो सियारी क्या इसी पर थोड़ा विचार करें गुरुवर कबीर इस पंक्ति में बताते हैं कि हम अपने आप में मस्त है कोई साधक कहता है या कोई साधक है वो अपने आप में मस्त है साधना में मस्त है हमन है इश्क मस्ताना इश्क मतलब प्रेम लगाओ जिसका लगाव अपने आप से हो गया फिर दुनिया की होशियारी कहां रह जाती है बस इतना सा भाव है हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या दुनिया में बहुत से लोग हैं समझदार और बहुत होशियार बनते हैं अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं लेकिन गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि जिसका लगाव जिसका प्रेम जिसका इश्क अपने आप से हो गया अपनी आत्मा से हो गया दुनिया की यारी फिर झूठी लगने लगती है और ये दुनिया की यारी झूठी हमें आज नहीं लगती है जब समय निकल जाता है तब पता चलता है एक आदमी जीवन जीता है खूब पैसे कमाता है मेहनत करता है घर बनवाता है व्यापार बढ़ाता है शादी करता है बच्चे पैदा करता है खूब कारोबार फैलाता है और कुछ ऐसा समय आता है कि वो अपने आप को एक वृद्धा आश्रम में पाता है आज घूम लीजिए कोई भी वृद्धा आश्रम ऐसा नहीं होगा कि जहां दो चार दस बूढ़े ना मिले क्या उनको तो समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने दुनिया के लिए इतना सब कुछ किया क्या यही वृद्धाश्रम में आने के लिए वो किसी से कह नहीं सकते किससे कहें अपनी जांग उभार के अपनी कही न जाए हम कैसे कहें कि हमारा बेटा नालायक निकल गया हमारी बात नहीं मानता है हमारा कहा नहीं मानता है हमारी ही बदनामी होगी कि फलाने का बेटा है हर पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने वाला पड़ोसी नहीं उसका पुत्र होता है कितनी कड़वी बातें हैं ये सब विचार करने की बातें हैं और ये बातें अभी अगर समझ में आ जाए फिर ये जो दुनिया की यारी है ना लगाव है दुनिया से खत्म हो जाएगा लोग कहते ना कि साहेब मोह नहीं छूटता है घर परिवार का मोह नहीं छूटता है बहुत बड़ी समस्या है लोगों की उनसे पूछें जो बुद्धा आश्रम में है जिनको आज एक लोटे पाने की पानी की जरूरत है जिनको कोई जिनके साथ कोई बात करने वाला चाहिए उनका समय काटने वाला समय बिताने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कोई बच्चा चाहिए जो बोले उनसे बात करे आज उनके पास वो सब कुछ भी नहीं है बंधुओं हम सब कोई अलग नहीं है उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उससे भी बदतर हमारी स्थिति होने वाली है फिर से कहता हूं एक बार कि उससे भी बदतर उससे भी गलत उससे भी बुरी स्थिति हम लोगों की होने वाली है अगर सावधान नहीं हुए तो सावधान किससे होना है जो दुनिया, दुनिया से, यारी से यारी है ना उसको खत्म कर दो दुनिया, दुनिया से जो आपका लगाव है जो मोह है करना पड़ेगा नहीं करोगे तो पछताओगे जिसके लिए तूने धन को जोड़ा है उन्हीं ने तुझे लाके अंधेरे में छोड़ा है कवाली में गाया जाता है बहुत दर्द होता है कोई बाड़ लगाए खेत की सुरक्षा के लिए घेरा करे और वो बाढ़ ही उस फसल को खा जाए और हम भी वही कर रहे हैं दूध रखे पात्र में और एक बिल्ली को बैठा रहे कि तू इसकी सुरक्षा कर मैं दुनिया के और कामों को देख के आता हूं कितने अच्छे बुद्धिमान है कितने अच्छे होशियार हैं हम यहां कोई किसी का नहीं है केवल एक मेला है मेले में मिले हैं मम्मी पापा भाई बहन परिवार पत्नी बच्चे ये दुनिया हमको एक दिन धूल बना के छोड़ेगी एक पंक्ति एक कवाली में गाई जाती है जिनके महलों में रंग के फानूस थे झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं हम सबका भी यही होना है घर में बैठता है आदमी तो सारी ऐसो आराम की सुविधाएं होती हैं बड़े बड़े राजे महाराजाएं दिन की जिनकी चारों तरफ तूती बोलती थी बहुत मान सम्मान होता था आज उनकी कब्र पर घास उगी है और प्रकाश की तो बात ही नहीं है इन सब बातों को अगर याद किया जाएगा तो स्वाभाविक अपने आप से हो जाएगा अपनी अंतिम दशा को जब आदमी सोचेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है यहां चले गए सो ना मिले किससे पूछूं बात मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात ये सब झूठा है, है। किससे बात करेंगे किससे पूछें किसको अपना मानते हैं किसके लिए दो का चार करने में जड़ लगे हुए हैं ये सब बातें जब हम सोचेंगे विचार करेंगे तो स्वाभाविक गुरुवर कबीर के लाइन में आके बैठ जाएगा हमारा मन स्वाभाविक ये महसूस हो जाएगा कि हम खुद ही जो कुछ है और बाहर कुछ नहीं आज उन वृद्धा आश्रम में निवास करने वाले बुजुर्गों से पूछा जाए कौन है उनका साथी अगर वो बाथरूम में फिसल के गिर जाते हैं तो कौन उठाता है उनका बेटा उनकी पत्नी उनके बच्चे या नाती पोते, दूसरा कोई बूढ़ा देखता है रे इतना देर हो गया अभी बाथरूम से आए नहीं तो दरवाजा खटखटाता है कहीं सूचना देता है भैया दरवाजा अंदर से बंद है देखो क्या हो गया घंटा भर हो गया दो घंटा हो गया फिर वहां का व्यवस्थापक आता है दरवाजा तोड़ के या जैसे भी करके उनको देखता है तो गिरे पड़े बाहर निकालता है और दवा दारू करता है अब उनको क्या नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है बंधुओं इस बात को हम आज ही समझ जाए आज ही अपने आप से लगाव कर ले जीना आपको अकेले ही है जब तक आप चल फिर रहे हैं किसी के कुछ काम आ रहे हैं तब तक दुनिया के लोग आप को अच्छा मानेंगे जिस दिन आप या हम उनके काम के नहीं हो जाएंगे हमें ठुकरा देंगे तो ऐसा कुछ करें अपने जीवन में कि हमारी दौड़ अपनी ओर हो यह संसार के नश्वर प्राणी पदार्थों से हटे बहुत बटोर लिए आधी से ज्यादा उम्र हमारी बीत गई इस दुनिया की यारी में जो समय बचा है उसे अब अपने आप के प्रेम में लगाए अपने आप के मस्त होने में लगाए जिसकी चर्चा गुरुवर कबीर कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना फिर उनको दुनिया से यारी क्या क्या फिर उनको दुनिया से दोस्ती दुनिया से मोह दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है मोह क्या होता है इन संतों से पूछे सब अपने आप में मस्त है इनके भी माता पिता परिवार घर कुटुंब सब होते हैं लेकिन वो अंतिम की बात इनको पहले से दिख गई कि हमारा क्या होना है अगर हम अपने विचार नहीं बदले अपने रास्ते नहीं बदले तो एक दिन धोखा खा जाएंगे इसलिए जरूरत है कि हम अपनी दौड़ को अपनी और मोड़े अपने अध्यात्म में, में लगाए दुनिया की खाक छान लिए कुछ भी नहीं है केवल भूसी है सुख पाने के लिए आदमी दौड़ता है दुनिया में और दौड़ते दौड़ते उसके बाल पक गए आंख पर, पर चश्मा लग गया, गया दांत टूट गए और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दौड़ अब मुझे बंद कर देनी चाहिए इसे लौटाना चाहिए अपनी तरफ जब आदमी बहुत खुश होता है जब आदमी बहुत खुश होता है तो किसकी याद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा ठीक जब आदमी बहुत खुश होता है तब वो सबसे ज्यादा जिसे प्रेम करता है सबसे ज्यादा जिसे सम्मान देता है उसकी याद करता है और उसके पास जाना चाहता है उसके पास समय बिताता है और जब मुसीबत आती है कोई दुख आता है तब किसके पास जाना चाहता है उसको जो सबसे ज्यादा प्यार करता हो समझ में आई बात जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति या दुख या परेशानी आती है तो आदमी ये ढूंढता है कि मुझसे कौन प्यार करता है मुझे कौन सम्मान देता है तब उसकी याद आती है आप किसे प्यार करते हैं किसे सम्मान देते हैं वो अलग बात है आपको कौन देता है ये संत लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए इतना टिटिम्मा करते हैं सत्संग एक दूसरे के घर परिवार गांव क्षेत्र गली मोहल्ले में जाके स्पीच देते हैं प्रवचन देते हैं अपना काम तो ये कहीं भी एक छोटी सी गुफा में या झोपड़ी में रहके भी कर सकते थे रोटी पानी तो एक भक्त भी कोई दे सकता है आजीवन किसी एक महात्मा को लेकिन ये सब बातें बताने के लिए संत लोग कहते नहीं जानो उनको पीड़ा होती है कि जागो जिधर जिस चीज को तुम छान रहे हो ना वो केवल धूल है उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है आ जाओ अध्यात्म में अपनी ओर लौटो आप सबसे यही गुजारिश मेरी आवाज सुनने वालों से कि हम अपने आप से इश्क करें हमन है इश्क मस्ताना इस पंक्ति को याद करें हमन को होशियारी क्या बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ बोलिए देव की जय अभी हम लोग हमारे संस्थान के संत श्री करमचंद बहुत सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे समय न गवाते हुए मैं हमारे संस्थान के साथी संत श्री अखिलेंद्र जी आप भी आए इस पावन अवसर पे कुछ मिनट हम लोग के बीच अपना विचार रखें परम पूज्य और गुरुदेव जी श्री जी की आज्ञा हुई है आज्ञा पलार्थ थोड़ी देर निवेदन, निवेदन प्रस्तुत है।, है मैं एक सहज चर्चा, चर्चा करना चाहता, चाहता हूँ जिसकी जरूरत सबको सब है, है। किसी भी मतपंथ को मानते हो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो किसी भी देश में रहते हो और किसी भी जगह में रहते हो हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है वह है प्रेम कहने में कितना सरल है प्रेम सदगुरु कबीर ने कहा है ढाई आखर प्रेम का मात्र ढाई अक्षरों से लिखा है प्रेम कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता है बोलने में दो से तीन सेकंड लगता है बस बस स्पीड से बोलो तो प्रेम एक सेकंड में निकल गया लेकिन इस शब्द को जीवन में आचरित करने के लिए पूरी जिंदगी रगड़ डालो अगर सही तरीका नहीं आया तो जीवन खप जाएगा लेकिन हम प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे एक छोटा बच्चा है उसको भी प्रेम समझना होगा प्रेम की परिभाषा को समझना होगा और एक देश के नेता है एक राष्ट्रपति है उनको भी प्रेम की परिभाषा समझना होगा बिना प्रेम के जिंदगी बेकार है बिना प्रेम, प्रेम के ध्यान बेकार है बिना प्रेम के सत्संग बेकार है बिना प्रेम के खाना बेकार है पीना बेकार है चलना उठना बैठना जो कुछ भी करना सब बेकार है प्रेम है तब ध्यान का महत्व तो है प्रेम है तब सत्संग का महत्व तो है प्रेम है तब दर्शन का महत्व है प्रेम है तब जीवन का महत्व तो है कुल मिलाकर के प्रेम, है तो मिला प्रेम नहीं, नहीं तो सब बेकार प्रेम है तब भाई भाई है पुत्र पुत्र है पिता पु पिता है माँ माँ है बाप बाप है बच्चे बच्चे हैं प्रेम है तब पड़ोसी पड़ोसी है अब प्रेम है तब गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है प्रेम, प्रेम नहीं, तो नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं। एक कथाकार है उन्होंने कहा है प्रेम जगत, जगत सार औ औछ सार नहीं प्रेम ही मुख्य है सार आप, आप अच्छे शब्दों में नहीं बोल सकते चल सकता है लोगों को नहीं समझा सकते चल सकता है आप अच्छा व्यक्त नहीं कर सकते अच्छा व्याख्यान नहीं लिख सकते चल सकता है लेकिन बिना प्रेम, प्रेम के तो नहीं चल, चल सकता जब प्रेम है तब कुरान बाइबल जिंदावेस्ता महाभारत रामायण बीजक सारे चीज काम आएंगे प्रेम है तब गुरु काम आएंगे प्रेम है तब भाई काम आएंगे प्रेम है तब मां बाप काम आएंगे प्रेम है तब पड़ोसी काम आएंगे और प्रेम है तो जिसको हम अपना मानते हैं वो काम आएंगे और प्रेम करना नहीं आया प्रेम की परिभाषा नहीं सीख पाए तो जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा प्रेम गली अति जामे दो न समाए अब देखिए प्रेम की रास्ता कितना सकरा है प्रेम करना सीखना होगा प्रेम पाने की चाहना नहीं होनी चाहिए प्रेम देना है बस प्रकृति का नियम है जो दोगे वो लौट करके मिलता है प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि हम हंसते हुए को रोते हुए को हम हंसा सकते हैं और खतरनाक चीज एक है कि प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि खूंखार से खूंखार जानवर को अपने वश में कर सकते हैं मदारी जब खेल दिखाता है खिलाड़ी जब खेल दिखाता है सर्कस में तो आज भारत में खूंखार जानवर कौन सा है शेर चीता बाघ इनको भी अपने इशारे पर नचाता है प्रेम से कहता है बेटा तुम बैठ जाओ शेर जहां रहता है वही किसी व्यक्ति के ऊपर बैठ जाता है शरीर को नोचता नहीं है ये प्रेम की परिभाषा है दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रेम से आदमी ने खूंखार जानवर को तो अपने वश में किया प्रेम से आदमी ने खुंखार जैसे जहरीला जानवरों को भी अपने वश में किया सर्प जैसे जो मनुष्य को खा जाने वाले जानवरों को खा जाने वाले ऐसे जानवर को भी अपने वश में किया प्रेम से लेकिन अपने आप को अपने वश में नहीं कर पाए दुर्भाग्य की बात यह होती है दुर्भाग्य की बात होती है जिन परिवार के बीच में रहते हैं उन परिवार के लोगों को प्रेम नहीं दे पाते हैं घर के बुजुर्ग होते हैं घर के मुखिया होते हैं आए दिन बच्चों की शिकायत होती है मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे इतना शिकायतों का बाउंडर भरा होता है जीवन कठिन हो जाता है और जितना शिकायतों का बाउंडर हम भरते जाते हैं उतना ही अपने जीवन को हम दुखमय बनाते चले जाते हैं बहुत कठिन जीवन हो जाता है फिर प्रेम को समझना जीवन में आचरित करना जीवन बीत जाता है मैंने पहले ही कहा लेकिन हमारा अहंकार झुकता कहां है जानते हैं कि मैंने गलत किया घर का बुजुर्ग है घर का मुखिया है जानता है मैं गलत कर रहा हूं लेकिन अहंकार नहीं झुकने देता है उनका अहंकार ऐसे कि उनके ही बच्चे अपने ही मां बाप को नहीं बोल सकते पिताजी तुम गलत कर रहे हो वैसे घर के बच्चे भी होते हैं अहंकार पिता कहता है तुम गलत क्यों हो कहते हैं मैं नहीं किया हूं गलत अहंकार ने हमेशा समाज का परिवार का विनाश किया है अहंकार को महत्व तो नहीं देना है प्रेम को महत्व तो देना है हम कभी कभी उन बातों को बताना चाहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं आता है कितना आता है कितना नहीं आता है हमको खुद टटोलना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम स्थापित तो हो पाया है कि नहीं हो पाया कि अहंकार की आग झक रही है कहीं अहंकार का दावा नल तो नहीं लगा है आए दिन शिकायत होती है माँ बाप की बच्चे, बच्चे बिगड़ गए हैं बच्चे, बच्चे कहा नहीं मानते हैं परिवार के लोग कहा नहीं मानते हैं पड़ोसी ऐसे हैं ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं इतनी शिकायतें इतनी शिकायतें जीवन पूरा शिकायत से भरा रहता है एक आदमी एक रस्सी लेता है और रस्सी में रोज गांठ लगाता जाता है रोज गांठ लगाता है साल भर बाद देखता हूं उस रस्सी को लौटा करके तो 365 गांठें लगी हुई है अब उस 365 गांठें एक दिन में नहीं खुल जाएगी अब चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम का पदार्पण हो हम चाहते हैं कि एक बेदाग जीवन जिए इधर तो अहंकार की ज्वाला भभक रही है कैसे हो सकता है इधर तो अहंकार के गांठों पर गांठ लगात लगाते जाते हैं हम जीवन में प्रेम कहां से स्थापित हो सकता है जब हम एक पात्र में दूध भरा हो और उसमें हम घी डालना चाहे तो वह घी को पहले दूध को निकालना पड़ेगा नहीं तो घी नहीं आ सकता है दूध ही रहेगा यदि जीवन में अहंकार आ गया है तो फिर प्रेम नहीं आ सकता है मैं एक सहज चर्चा कर रहा हूं आप किस मत पंथ को मानते हैं किस संप्रदाय को मानते हैं किस गुरु से जुड़े हुए हैं ये आप जानिए लेकिन बिना प्रेम के जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है मैंने शुरू ही कहा कि ये एक बच्चे को भी जरूरत है और एक बुजुर्ग को, बुजुर्ग को भी ये जरूरत है प्रेम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जीवन मीठा हो होते जाना चाहिए <द्जाविणा> आप इस बात को ध्यान दीजिए जैसे जैसे हमारी उम्र 20 साल 30, 40, 50, 60 साल बढ़ती जाती, वैसे जाती है, है वैसे वैसे हमारे जीवन मीठा होते जाना चाहिए जीवन में तो और कटुता आती जाती है जीवन और कटु बनता चला जाता है लोग हमसे मिलने के बजाय हमसे दूर होते चले जाते हैं अपने ही बच्चे हैं अपने बच्चे, बच्चे हमसे मिलना नहीं चाहते हैं अपने ही मां बाप है हमारे अहंकार को देखते हैं उस बच्चे से मैं बात नहीं करूंगा अहंकार है अहंकार कैसा होता है हमारा अहंकार ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वो सत्य है बाकी सब व्यर्थ है जीवन नहीं बदल सकता है आत्मीय बंधुओं जीवन बदलना है तो प्रेम के महत्व को समझिए हम जानते हैं कि मैं बात जो सत्य कह रहा हूं लेकिन पर भी उन बातों को परिवार के बीच में रखा जाए पर भी उन बातों को समाज के बीच में रखा जाए तो एक नया विचार पदार्पण होता है एक नए स्रोत मिलता है एक नए जीवन जीने का तरंग पैदा होता है एक नए हरियाली पैदा होता है घर में एक नया वातावरण छाता है लेकिन ये चीज नहीं हो हो पाता है तो जीवन नहीं बदल सकता है जीवन को बदलना है तो प्रेम को समझिए। जब तक प्रेम की परिभाषा नहीं समझेंगे साधना नहीं कर सकते आप किसी, आप किसी के पुत्र नहीं हो सकते किसी के तो माँ बाप नहीं हो सकते किसी के, के भाई, भाई नहीं हो सकते किसी के पड़ोसी नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है हमारे पास प्रेम नहीं है हम एक अहंकारी कहला सकते हैं साधक संत गुरु माँ बाप पुत्र नहीं कहला सकते हम क्योंकि हमने वो कैटेगरी छोड़ दी है हम एक नीचे स्तर की कैटेगरी पकड़े हैं और अहंकार तो सब करते हैं हम जिस मत पंध को मानते हैं जिस मां बाप से जुड़े हैं जिस गुरु से जुड़े हैं उसके प्रति अटूट श्रद्धा हो साथ साथ जीवन में हम कभी लौट करके तो देखे अपने आप को कभी निखार करके देखो देखे कि लोग मेरे से दूर हटते चले जाते हैं कि मेरे पास आते हैं मेरे ही बच्चे अपने से दूर क्यों जाते हैं मेरी ही माँ बाप मेरे ही भाई, भाई मेरे ही मेरे पड़ोसी, पड़ोसी के लोग मेरे से क्यों नहीं मिलना चाहते दे 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 हैं आखिर कारण क्या है, है। हमने तो अपने, अपने जीवन को कटु बना लिया है पत्नी आपकी, आपकी है।, है लेकिन पत्नी तब तक पत्नी है जब तक आप प्रेम देते हैं बच्चे आपके हैं भाई आपके हैं माँ बाप आपके हैं पड़ोसी आपके हैं लेकिन तब तक आपके हैं जब तक आप प्रेम देते हैं मैंने बीच में उदाहरण दिया एक खूंखार जानवर को हम अपने वश में करते हैं कैसे वश में करते हैं मात्र प्रेम से इसलिए हम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित होए ढाई अक्षर प्रेम को समझ जाए तो जीवन में बहुत ज्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है बहुत गुरु से मिलने की जरूरत नहीं है एक गुरु जीवन को तारने के लिए काफी होते हैं फिर बस ढाई आखर प्रेम की परिभाषा समझ जाए तो जीवन हम बदल सकते हैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं बोलिए सदगुरुदेव की जय अभी हमारे साथी अखिलेश जी के द्वारा प्रेम के संदर्भ में बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे वास्तव में आज हमारे पास सारी संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता बाहर सोना सोना भीतर सोना सोना आज मकान बनता जा रहा है घर उजड़ता जा रहा है कारण है प्रेम का अभाव जहाँ प्रेम का अभाव होगा वहाँ परिवार में परिवार में विषमता आएगी समाज में विषमता आएगी और देश में विषमता आएगी इसलिए अगर परिवार समाज और राष्ट्र को एकता के सूत्र में अगर हम बांधना चाहें उसका एक ही आधार है वो है प्रेम बिना प्रेम के कहीं भी हम विकास नहीं कर सकते हैं आइए कुछ मिनट हमारे डॉक्टर साहब राम मिलन जी जो हम हमारे संस्थान में आते रहते हैं हमारे संस्थान के सदस्य भी हैं आपसे निवेदन है कि इस पावन अवसर पर कुछ मिनट रखने का आप भी कष्ट करें पहले सबी पहले सभी लोगों, लोगों को, को सदगुरु कबीर का ये तैतालीसवा वार्षिक अधिवेशन जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से देखते आए हैं कि बड़ा भव्य और एक, और एक बहुत बड़ा, बड़ा, बड़ा कार्यक्रम होता था इस बार भी बहुत मन में था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो लेकिन परिस्थितियों के कारण परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण संतों ने ये जो आयोजन किया वो भले सीमित दायरे में हुआ हो लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है क्यों क्योंकि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को हमें आगे तक, आगे तक ले, जाना ले जाना है और ये जो हमारी परंपरा है, है। सदगुरु कबीर की परंपरा है ये एक बड़ी, बड़ी लंबी परंपरा, लंगी परंपरा है जैसा मैं तो, मैं तो सही मायने में सुनने आया था ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि तीन दिन से तीसरा दिन है आज अधिवेशन का और किन्हीं कारणों से मैं कल शाम को आ पाया परसों आ ही नहीं पाया मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी लेकिन शरीर मेरा वहां था जबकि मन मेरा यहीं पैटका हुआ था तो आज आज भी मैं अस्पताल छोड़ करके आया मेरा मन नहीं माना कि संतों के मैं आशीर्वचन सुनूं और कुछ यहाँ से लेके जाऊं चाचा साहब लोग कबीर साहब के एक पक्ष को रखते हैं अधिकतर समय में क्योंकि संत हैं तो संत को आध्यात्मिक के साथ साथ शांति प्रेम इन सब पहलुओं पर बड़ी अच्छी चर्चा बड़ा अच्छा निर्देश बड़ा अच्छा अनु उसके अनुगमन के लिए रास्ता बताते हैं हम लोग सामाजिक परिदृश्य को कबीर साहब के सामाजिक परिदृश्य को भी हम कम करके आंक नहीं सकते हैं संतों का मन निर्मल होता है वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें वहाँ का वातावरण समाज का वातावरण देश का वातावरण न सिर्फ देश का वातावरण बल्कि वैश्विक वातावरण भी शांति प्रेम सद्भाव इन सब चीज़ों की वो अपेक्षा करते हैं और हमें उनका अनुसरण करके उनसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता होती है और होनी भी चाहिए समय समय पर कबीर साहब का मैं दूसरा पक्ष जो सामाजिक पक्ष है थोड़ा उस पर दो चार मिनट बातें करना चाहूंगा शांति सबको जरूरी है ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि शांति तभी संभव है जब समाज में फैली हुई कुरीतियों और बुराइयों पर भी हम गहरी चोट जैसा कि हमारे महानायक कबीर चाहे वो बुद्ध हों चाहे वो कबीर हों चाहे वो फुले हों चाहे वो अम्बेडकर हों चाहे वो पेरियार हों बड़ी लंबी परंपरा है अगर हम उस परंपरा पे जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा खास तौर से चूँकि ये अधिवेशन कबीर साहब को लेकर के है और मुझे लगता है मैं कल किसी एक सज्जन के पास बैठा हुआ था पैसे वो बैंक मैनेजर हैं बातों बातों तो में, में कुछ ऐसी बात चली, चली। बोले डॉक्टर साहब अगर भारत को समझना है तो हमें तीन महापुरुषों को जानना समझना पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उनका अनुसरण करना बड़ा आवश्यक है तो मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा मैंने कहा साहब वो तीन महापुरुष कौन हैं उन्होंने कहा जैसा आप मुझे मालूम तो पहले से ही था, था कि हाँ किनका तीन नाम लेंगे।, लेंगे और मुझे लगता है यहाँ सभी लोगों को मालूम है वो तीन महापुरुष कोई और नहीं, नहीं। बल्कि महात्मा बुद्ध, बुद्ध सदगुरु कबीर और तीसरे व्यक्ति का नाम जो उन्होंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैंने उसमें थोड़ा सा जोड़ा मैंने कहा साहब वैसे हमारी परंपरा तो बहुत लंबी है हमारी थाती बहुत लंबी है लेकिन मैं इसमें एक नाम और जोड़ना चाहूंगा महात्मा फुले का कबीर साहब ने हमें आंखें दी हैं, जीने का रास्ता दिखाया है और एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता उन्होंने दिखाया है और मुझे लगता है कि कबीर साहब उस समय अकेले थे लेकिन आज मेरे सामने इतने सारे कबीर बैठे हुए हैं कबीर के बारे में मुझे लगता है कि शायद हम समझ भी नहीं पाते हम, हम एकेडमिक नॉलेज कितनी भी रखते, रखते हों लेकिन एकेडमिक नॉलेज विश्वविद्यालयों में स्कूलों में कबीर साहब के विचारों को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि उनको सिर्फ रमिया पैजनिया और उनके पुत्र कमाल कमाली तक सिमेट कर रख देने का प्रयास किया जाता है हम भाग्यशाली हैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन संतों ने हमें कबीर के बारे में सही ज्ञान प्रदान किया वास्तव में देखा जाए तो हम भी पहले कबीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे लेकिन जब से हम यहाँ इस संगत में आए संतों के शरण में आए तब हमको मालूम चला कि वास्तव में कबीर क्या थी किसी भी संत को जानना है किसी भी संत को समझना है तो मुझे लगता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन, जीवन के जीवन साथ, साथ, साथ साथ उसके कृत्यों पर, पर उन, उसके कर्मों, कर्मों पर उन्होंने समाज को क्या दिया इस पर विचार करने, करने की आवश्यकता होती आवश्यक्ता है।, है खास तौर से कबीर की परंपरा में पारखी संतों का हमें ऋणी होना चाहिए क्यों संत होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और संत होने के साथ साथ समाज को रास्ता दिखाना कबीर के रास्तों पे चलना चलाना और उनको एक मार्गदर्शन देना मुझे लगता है कि शांति प्रेम सद्भाव यह तभी संभव है जब हम अपने महापुरुषों के विचारों का अनुसरण करें और हमारे जो संत हैं वो हमें इस पर चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं चलना न चलना हमारा काम है और अगर हम इन संतों के बताए हुए रास्ते पर अगर दो चार कदम भी बढ़ा सकेंगे तो मुझे लगता है कि शांति सद्भाव प्रेम यह स्वतः अपने आप में आ जाएगा मुझे लगता है कि आज तो मैं संतों को सुनने आया हूँ और अधिक समय न लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सतगुप्त कबीर साहब की जय संतों की बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम मिलन जी आप, आप नेत्र, नेत्र, नेत्र के डॉक्टर हैं।, हैं संस्थान में आप, आप आते, आते रहते आते हैं।, हैं।, हैं आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस संस्थान पर अभी हम उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे थे कुछ ही देर में पूज्य साहब मंचासीम होने वाले हैं उनके अनेक पूर्व थोड़ा आपके बीच निवेदन मोद मंगल में संत समाज दूर दराज से आए हुए भक्त सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों मैं सदगुरु कबीर की एक पंक्ति पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास करता हूं सदगुरु ने कहा है राहु संभारे राम विचारे कहता हूं जी पुकारे हो इस एक ही पंक्ति में अध्यात्म के जो गुण रहस्य है सदगुरु कबीर ने भर दिया है सदगुरु कबीर में अद्भुत कला थी काव्य शक्ति उनमें महान थी थोड़े में बहुत सी बातें अध्यात्म के वो कह देते हैं यहां भी साहब कहते हैं राहु संभारे अपने को संभालो और राम पर विचार करो मैं पुकारे जा रहा हूं हम सबको संभालते हैं परिवार को संभालते हैं गांव को और देश को संभालते यदि नहीं संभालते हैं तो अपने को अपने का मतलब है अपना मन को अपने इंद्रियों को अपनी कामनाओं को अपनी इच्छाओं को अपनी वासनाओं को नहीं संभालते सबको संभाला सबको संभाला यदि हम अपने मन को नहीं संभाला इंद्रियों को नहीं संभाला तो सब कुछ बेकार हो जाता है साहब कहते हैं अपने को संभालो जिस शरीर को हम अपना मान करके इसका रख रखाव रखते हैं संभालते हैं क्या यह शरीर हमारा बस में रहता है शरीर तो रोज परिवर्तन हो रहा है शरीर रोज परिवर्तन हो रहा है बचपना का शरीर किशोर कि कि अवस्था में नहीं रह जाता है अवस्था का शरीर, शरीर, शरीर जवानी में नहीं रह जाता, रह जाता, रह जाता है और जवानी का शरीर, शरीर पौड़ अवस्था में नहीं रह जाता है पौड़ अवस्था का शरीर जर्जरता में रह नहीं जाता है। वो ताकत, ताकत वो शक्ति सब क्षीण हो जाती है।, है किसी ने बहुत सुंदर कहा इस संदर्भ में दस में दौड़ा बीस में बावला तीस में तीखा चालीस में फीका पचास में पाका साठ में थाका सत्तर में बिस्तर अस्सी में लस्सी नब्बे में डिब्बा सौ में सौ शरीर के अंत में यही परिणत बड़े बड़े योगी कहे जाने वाले भी शरीर को अमर नहीं बना पाए चाहे वह गोरखनाथ हो मच्छंद्रनाथ हो आदिनाथ हो वर्तमान में हमारे रामदेव जी महाराज शरीर को हम अमर बना नहीं सकते चाहे हम जितना ही हम योगा करें इसका मतलब योगा नहीं करना चाहिए करना चाहिए स्वस्थ रहना है तो लेकिन शरीर से अमर रहे ये हो ही नहीं सकता है शरीर तो मरण धर्मा है शरीर का परिवर्तन बना रहेगा इसमें हमारी कोई सुवस्था नहीं परिवार में हम समझते हैं ये हमारा बस में रहे उसके संभालने में हम पूरा जीवन हम खपा देते हैं क्या परिवार हमारे बस में हो पाता है हमारे यहाँ दो महाकाव्य है रामायण और महाभारत राजे महाराजे की तो बात छोड़िए जिनको काव्य में भगवान कहे गए वे महापुरुष अपना परिवार को अपना समाज को कहाँ वे बस में कर पाए श्री राम का जीवन देखिए उन्हीं के सामने बड़ी घटना घटती है मैं बहुत कहानी में नहीं जाऊंगा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि जब लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया गया लक्ष्मण सरजू में प्रवेश कर लिया तब राम को सहन नहीं हुआ भगवान राम को सहन नहीं हुआ वे अयोध्या वासियों के सहित शरियो में प्रवेश कर जाते हैं वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सांस लेने वाले नहीं बचे कहा जाता है अनंत ब्रह्मांड नायक वे अनंत ब्रह्मांड नायक महापुरुष परिवार को अपना समाज को मौत से नहीं बचा पाए दूसरा काव्य आता है महाराज कृष्ण जो महाभारत में उनकी चर्चा है वे भी जहां कहा जाता है सोलह कला से पूर्ण वे महापुरुष महाभारत युद्ध नहीं रोक पाए अठारह अच्छोनी सेना उन्हीं के सामने धराशाही हो गई और यादव वंश में जो गृह कला है उसको भी वह रोक नहीं पाए उन्हीं के सामने यादव लोग यादव वंश गणराज्य लड़कर के समाप्त हो जाते हैं। चर्चा तो महाभारत में है शांति पर्व में गृह कला से उबकर देवर नारद के पास वो आए और उन्होंने कहा देवर, देवर नारद जो अपना मित्र ना हो मित्र होते हुए जो मन इंद्रियों को ना जीता हो उनके पास अपनी गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए आप हमारा मित्र भी है और मन इंद्रियों को जीता भी है इसलिए मैं अपनी रहस्यमय गुप्त बात कहने के लिए आया हूं लोग कहते हैं कृष्ण ऐश्वर्य का भोगता है लेकिन मैं दुखों का भोगता हूं मेरा हृदय वैसा ही मत रहा है जैसे अग्नि उत्पन्न करने वाला अरुणी को मथता है बड़ा भाई बलराम इस बुढ़ापा में घमंड रखता है, छोटा भाई गद इतना शुकुमार है कुछ करना नहीं चाहता बड़ा लड़का प्रदुम्न इतना सौंदर्य में दीवाना रहता है कि दर्पण के सामने रात दिन अपना चेहरा निहारता है और हमारे परिवार में आहुक अक्रूर आदि इतने सज्जन है लेकिन आपस में इतना लड़ते हैं कि मेरा नाको दम कर दिया है पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं बोलिए सदगुरु देव की जय साहे बंदगी साहेब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा को दम कर दिया है मैं अपनी आमदनी की तीन तिहाई परिवार वालों को दे देता हूं फिर भी मुख टेढ़ा रखते हैं भगवान मेरी दशा वैसी है जैसी दो जुआरी की माँ दो जुआरी की माँ कब चाहेगी एक की विजय हो और दूसरे की हार हो भगवान कृष्ण कहते हैं देवर्षि नारद मैं करूं तो करूं क्या तब देवर्षि नारद ने कहा भगवान आप योग्य हैं, सामर्थ्य हैं, आपके रहते इन गणराज्यों का विध्वंस न हो पतन ना हो आप संभालिए ऊंची नीची जगहों में बलवान बैल ही खींच सकता है समतल भूमि में तो समान बैल खींच लेता है आप समर्थ हैं आप संभालें उन्होंने कहा भेदाद विनाशा संघानाम संघ मुख्युष केशव यथा तमाम प्राप्त संघस्त कुरु हेशव भेद पढ़ने पर ही संघ का पतन होता है इसलिए भेद पढ़ने न पाए आप संभालिए उनको कुछ बातें सहमत के रूप में दे गई उन बातों को लेकर वे आए द्वारिका संभालने की कोशिश उन्होंने की लेकिन यादव वंश में गणराज्यों में इतना शरण हो चुका था संभालवे नहीं पाए प्रभा क्षेत्र में शराब पी पी करके आपस में इतना कला इतना धुंध हुआ कि आपस में लड़ और कट करके मर गए महाराज कृष्ण भी उस युद्ध में सम्मिलित हो गए इतिहास कहता है महाभारत कहता है सांस लेने वाले नहीं रह गए उस क्षेत्र बूढ़े स्त्री और बच्चों के अलावा जो गांव में रह गए कितना बड़ा परिवर्तन होता है हमारी सुव्यता किसमें है किसमें हम संभालने में लगे हैं जिस परिवार को हम संभालने में लगे हैं लगना चाहिए लेकिन, लेकिन पूर्णता आज तक कोई नहीं संभाल पाया है वस्तुतः किसको संभालना चाहिए उसको संभालते हुए अपने आप को भी संभालना है अपना मन को संभालना है अपने इंद्रियों को संभालना है अपना जो दोष है काम को संभालो काम में पढ़कर करके आदमी कैसी कैसी दुर्दशा उनकी होती है लोभ को संभाले क्रोध को संभाले इस पर और कहा जा सकता है हम हम जितना ही अपने दोष-दुर्गुण को त्यागते जाएं, तो निश्चित है हम उससे निर्ग्रंथ होते जाएंगे मन उतना ही स्वच्छ और निर्मल और पवित्र होता जाएगा साहब कहते हैं रहो संभारे अपना मन को अपने इंद्रियों को संभालो जो अपना मन और इंद्रियों को संभालता है वही तो सम्राट है और मन इंद्रियों को संभालने में ही परमानंद और परम शांति की प्राप्ति है कठोपनिषद में छोटा सा सूत्र है यदा पंचावतिष्ठ ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिस्ाना विचे परमाम गति पांचों ज्ञान इंद्रियों को मन और बुद्धि को जो साधक व्यवस्थित कर लेता है संभाल लेता है तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है श्री मौनी दिगंबरी जलसैनी सैनी पंचग्नि तापने की जरूरत नहीं है यदि हम अपना मन को इंद्रियों को वश में कर लिया इसी के द्वारा परमानंद और परम शांति की प्राप्ति हो सकती है साहब कहते हैं इसको संभालो खक्खा चाहे खोरी मना खाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि अगर जीवन में खैर चाहते हो मंगल चाहते हो शांति और शकुन चाहते हो तो इंद्रियां रूपी गलियों को मना लो साहब कहते हैं ये इंद्रियां रूपी गलियों को मना लोगे तो निश्चित है जो हम चाहते हैं हमें चाहत है वो अपने आप वह प्राप्ति हो जाएगी राम बिचारे साहब कहते हैं जो अपने आप को संभाला अपने इंद्रियों को संभाला अपने दोष दुर्गुणों को संभाला और तब के आगे होगा राम विचारे राम पर विचार कर राम पर विचार हम कहा कर पाते हैं या तो हम आकाश में मान लेते हैं या तो देव मंदिर में कबीर साहब कहते हैं आकाश तो शून्य है और देव मंदिर में भी वो शक्ति नहीं जो हमें आशीर्वाद दे जो हमें हमें बदल दे वस्तुतः प्राणी जगत में ही राम समाया हुआ है राम सबके दिल में बैठा है जो अंतरात्मा के रूप में है उस राम पर विचार करना है जो अंतरात्मा रूपी परमात्मा को समझ जाता है वे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पा नहीं करते हम तो या तो शून्य में माना या तो मंदिर में प्राणियों को हम भगवान नहीं माना प्राणियों में ही भगवान है मखलूक ही मजरे ख़ालिक है इस्लामी परंपरा में जो सूफी मत है वो भी कहते हैं प्राणियों में ही प्रत्यक्ष ईश्वर विद्यमान है सरापा आर्जू होने ने बंदा कर दिया मुझको वगरना हम खुदा थे गर दिले बे होते ये सर से पैर तक आर्जू नाम इच्छा लिपटी है इसलिए हम बंदा हैं ग़ुलाम हैं दास हैं वगैरह अर्थात इच्छा रहित होते तो हम खुद खुदा थे जिनको शक है तल, तलाश करे दुनिया में हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं जाहिदे गुमराह का हम किस तरह हमरा वह कहे अल्लाह है मैं कहूँ अल्लाह गुमराह भटका हुआ है कहते अल्लाह कहीं बाहर है कहने वाला कहता है भटका हुआ है, उसकी बात कैसी मानी जाए मैं कहता हूँ बाहर अल्लाह नहीं है, अल्लाह सबके दिल में बैठा है खुदा खुद जुदा जानो अधूरा है दिखला दे खुद ही में खुदा उसे पीर कहते हैं ऋषि मुनियों ने संत महात्माओं ने कबीर साहब ने सभी ने, सभी ने प्राणी जगत में और अंतरात्मा में परमात्मा देखने के लिए राय दिया है राय दी है गुरु पूज्य साहब जी विराजमान हो चुके हैं मैं यहीं पर अपनी वाणी पर विराम देता हूँ एक बार जोर से हम सब जयकारा करें, करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय सतगुरु साहेब की जय अब पूज्य साहब जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अमृत वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करने की महान कृपा करें साहेब। भजन करें छोटा सा भजन हम सुने आइए हमारे साथी हमारे कोठारी है इस समय श्री अजय जी और समय नहीं निकाल पाता है आइए उनसे हम एक छोटा सा पद उनसे सुने बोलिए सदगुरु देव की जय संत समाज की जय पुजवर गुरुदेव जी मुद्ध मंगल में संत समाज आप लोगों के बीच एक भजन प्रस्तुत गुरु गोविंद दो खड़े काके के बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा वहां न चलेगा बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना ना किसी का शोहरत तुम्हारी बह जाएगी दौलत यहीं पर रह जाएगी नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का पहले तो तुम अपने आप को संभालो हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का दुनिया का गुलसन सदा ही रहेगा ए तो जहाँ में लगा ही रहेगा आना किसी का जग में जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, का। बोलिए देव की जय